हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एजुकेशन बैंक। गाइस, आज की हमारी गृह विज्ञान पाठ्य योजना का टॉपिक है प्रोटीन। तो गाइस, देखते हैं पाठ्य योजना कैसे बनती है। इसमें देखिए, सबसे पहले कॉलम बना हुआ है। इसमें जो भी हमारी पाठ्य योजना का नंबर है वो हमें डालना है। इसके बाद दिनांक, विषय, प्रकरण, साइड में होगा कक्षा, कालांश और समयावधि। ठीक है, प्रकरण जो प्रोटीन है ये हमको तुरंत नहीं डालना है। जब हम अपने जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं बच्चों से पूछ लेते हैं, उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट होता है जब हम उसको बोलते हैं, उसके बाद ही हमें यहाँ पे अपना टॉपिक डालना होता है, प्रकरण डालना होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। इसमें हमने 5 पॉइंट लिखे हैं। ये जो है सामान्य उद्देश्य जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि हम जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, कि जो टॉपिक हमारा है उसको हमने जो पढ़ा है उसकी भी जानकारी प्राप्त की है, उससे हमें क्या क्या लाभ मिला है। तो देखिए इसमें हमने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री। जो भी सामग्री हम अपने साथ लेकर जाते हैं या पढ़ाने के टाइम पे हमें जिसकी आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ पे लिखना है। अगर आपने अपने प्रकरण से संबंधित कोई चार्ट पेपर लिखा हुआ बनाया हुआ है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए प्रकरण से संबंधित चार्ट पेपर। गाइस, अगर आप चार्ट पेपर लेकर के जाएंगे तो आपकी पाठ्य योजना थोड़ा सा और जो इफ़ेक्टिव लगेगी। तो आप ज़रूर चार्ट पेपर बनाकर लेके जाएं, अगर आपका टॉपिक चार्ट पेपर बनाने लायक है तो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं समस्या प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। पूर्व ज्ञान के बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हमने यहाँ पे 4 लिखे हैं, आप 4 या 5 लिख सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात होती है, जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है उसके आंसर से ही हमारा दूसरा क्वेश्चन निकलना चाहिए, और उसके जो आंसर से हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से सब में संबंध होता है। हर क्वेश्चन के आंसर में आपस में संबंध होना चाहिए। ठीक है, और पहला जो प्रश्न होता है वो आसान होना चाहिए, बच्चे उसका आंसर आसानी से दे दें। और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है समस्यात्मक होता है और हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसका कि आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है। इसके बाद हमें अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। ठीक है, ये देखिए उद्देश्य कथन है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में देखिए दो आमने सामने के पेजेस में इस तरीके से कॉलम बनेंगे। इसमें पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु का, फिर है छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्रा क्रिया, फिर शिक्षण विधि, और उसके बाद श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य का कॉलम थोड़ा हमें चौड़ा रखना होता है, जिसमें कि हमें ब्लैक कलर का चार्ट पेपर भी पेस्ट करना है, और जो भी हम यहाँ पे स्पष्टीकरण देते हैं उसको पॉइंट बनाकर हमें यहाँ पे ब्लैक बोर्ड जो हमने पेस्ट किया है उस पर लिखना होता है। ठीक है, इसमें शिक्षण विधियाँ लिखी जाती हैं, इसमें छात्राध्यापिका जो क्रिया करती है इसमें लिखना है, छात्रा जो क्रिया करती हैं वो इसमें लिखना है। ठीक है, इसमें शिक्षण बिंदु हमारे हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट पेज पे भी इसी तरीके से हमने कॉलम बना लिया है। हमने अपने जो स्पष्टीकरण दिया है उससे जो रिलेटेड है हमें बोधात्मक प्रश्न पूछने पड़ते हैं और उसका आंसर बच्चे देते हैं, क्योंकि हमने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा लिया है तो बच्चे आंसर दे देंगे आराम से। ठीक है, इसके बाद विकासात्मक क्वेश्चन होते हैं, हमारा टीचिंग पॉइंट दूसरा शुरू होता है, और लास्ट वाला क्वेश्चन जो है समस्यात्मक होता है, बच्चे मौन हो जाते हैं, तब हमें अपना स्पष्टीकरण देना होता है, ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है। तो देखिए स्पष्टीकरण को इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, और जो ये हमारा स्पष्टीकरण है ये हमने बोर्ड पे पेस्ट भी किया है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट में बनाकर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इसी स्पष्टीकरण से रिलेटेड हमको बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है, उसके बोधात्मक प्रश्न है। फिर देखिए श्यामपट कार्य हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन होता है लास्ट में, फिर है पुनरावृत्ति क्वेश्चन होते हैं, इसके बच्चों को आंसर नहीं देने होते हैं और हमें अपने लेसन प्लान पे लिखने भी नहीं होते हैं, ये सिर्फ हमें क्वेश्चन ही लिखने होते हैं। इसके बाद होता है गृह कार्य। गाइस, ये जो पाठ्य योजना बनाई जाती हैं तो हमें टीचर से अलाउ करना होता है, जैसे कि ये साइन कर देते हैं टीचर, फिर हम इस लेसन प्लान को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। गाइस, पाठ्य योजना पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाय।